अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट टुडे आवर टॉपिक इज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर स्टूडेंट ये इस तरह का सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि ये किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके इस तरह के सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम दिया जाता है और आपको पता है स्टूडेंट कंप्यूटर एक डंप मशीन है ये खुद से कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकती और कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो यूज़र कंप्यूटर को देते हैं जिसके जरिए ये किसी भी फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है तो इस तरह का इन सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देंगे किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस तरह के सेट ऑफ़ इंस्ट्रक्शन को सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम का नाम दिया जाता है दिस these, these instructions tell the computer what टू डू एंड हाउ टू डू इससे कंप्यूटर को पता चलता है कि वो किस तरह की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करेंगे सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट हार्डवेयर किसी भी तरह के सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करने के लिए या होने के लिए हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि जब तक हम सॉफ्टवेयर को किसी हार्डवेयर पर इंस्टॉल नहीं करेंगे ये किसी तरह की फंक्शनलिटी परफॉर्म नहीं कर सकेगा तो इससे हमें पता चला कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए हमेशा हार्डवेयर रिक्वायर होता है देयर आर टू टाइप ऑफ सॉफ़्टवेयर फर्स्ट वन इज़ सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड वन इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका रिलेशन हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर से होता है इसको कंट्रोल करने के हवाले से होता है जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये होते हैं जो कि सेकेंड टाइप है इसकी ये सॉफ़्टवेयर यूज़र स्पेसिफ़िक होते हैं और इसके मुख्य टास्क को परफॉर्म करते हैं जैसा कि कस्टम बिल्ड पैकेज सॉफ्टवेयर फर्दर हम ये देखेंगे कि ये ईच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन क्या है Now we start with the definition of system software. This software is used to control the usage and allocation of different hardware. ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर के मुख्य कंपोनेंट को कंट्रोल करता है उसकी फंक्शनैलिटी को कंट्रोल करता है और अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की किसी हार्डवेयर के लिए अवेलेबल नहीं होता तो हमारा कोई हार्डवेयर अपनी प्रॉपर फंक्शनैलिटी को परफॉर्म नहीं कर सकता इट ऑल्सो अनेबल द अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट ये जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इसका एक फंक्शन तो हार्डवेयर को कंट्रोल करना होता है और सेकंड फंक्शन ये होता है कि अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी एग्जीक्यूट करे और उन्हें मैनेज करे